अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स तो कैसे हो आप सब, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खैर खैरियत के साथ होंगे। फ्रेंड्स तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और अभी शाम का टाइम हो चुका है, शाम के 7 बज रहे हैं, शाम के रात होने वाली है। और मुन्नी यहाँ पर देखिए अपना जो है होमवर्क पूरा कर रही है, तो मुन्नी होमवर्क पूरा कर रही है और मैं यहाँ पर आलू छील रही हूँ। तो आज बनेगा सब्जी रोटी, तो उसका मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मसाला चल रही हूँ, पहले पीसूँगी, पेस्ट बनाऊँगी लहसुन अदरक और काली मिर्च जीरा का, उसके बाद चल रही हूँ सब्जी बनाऊँगी। चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं सब्जी, और मुन्नी तो अपना काम कर रही है और तो फिर चलिए चलते हैं। लाइट चली गई, चलिए चलते हैं। चलिए कहाँ चलते हैं, चलते हैं किचन में और अपना जो है काम करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर दूध में रख देती बॉयल करने के लिए। लाइट अभी चली गई है, लाइट चली गई है और यहाँ पे मैंने आज बनाऊँगी सोयाबीन आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन रखा हुआ है भिगो करके, चल रही है इसको 2-3 पानी से धुलूँगी और आलू को धुलूँगी 2-3 पानी से धो करके इसको मैं फ्राई करूँगी तो बनाऊँगी सब्ज़ी। चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं सब्जी को। तो फ्रेंड्स मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं दूध बॉइल कर रही हूँ। अभी अभी लाइट आ गई है और यहाँ पे मैंने फाइन सा पेस्ट भी बना लिया है अदरक लहसुन का, और यहाँ पे देखिए मैंने सोयाबीन को धो लिया है, आलू को धो लिया है और अब चलते हैं बनाते हैं सोयाबीन आलू की सब्जी। सब्जियाँ मेरे पास तो हैं लेकिन सब्जी खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मुन्नी बोले ना कि अम्मी सोयाबीन बनाओ, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाओ, वो हम लोग खाएंगे आज। तो वही मैं बनाने जा रही हूँ मैं सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, और सब्जी मेरे पास है लेकिन मैं उसकी सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि सब्ज़ियाँ खाने का दिल नहीं कर रहा है और सब्ज़ी इतनी महंगी सब्ज़ी खरीद कर आ रहा है लेकिन आज नहीं खाने का दिल कर रहा है, तो सोयाबीन आलू मैं बना रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं सोयाबीन आलू की सब्ज़ी। और आप सभी में से किस किस को पसंद है सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, हमको जो सोयाबीन आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, हम लोग खाते हैं, सभी लोग को फैमिली में पसंद है सोयाबीन आलू की सब्ज़ी। तो चलिए बनाते हैं सोयाबीन आलू। सब फट गया। इसे पानी पल नहीं होगा। ना पानी है ना। हम दुख जाता है, हम तो नहीं जाता ना। हम दुख आता। आज हमने अपने बालों में बहुत सारा तेल डाल लिया है सर में, क्योंकि सर दर्द कर रहा था तो मैंने बहुत सारा तेल डाल लिया है।
आप सोयाबीन को फ्राई करते हैं, यहाँ पे सोयाबीन है, फ्राई करते हैं इसको। यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं सोयाबीन, फ्राई हो जाएगा ये तो उसको मैं निकाल लूँगी और उसके बाद प्याज डाल करके मसाले में भूनूंगी, उसके बाद ये सोयाबीन जो है बन जाएगी। रात में शीशा नहीं देखते हैं, शीशा मेरा दोस्त है। तो भाई देखिए शीशा रात में नहीं देखते हैं, मेरा दोस्त है। तो फ्रेंड्स अभी उसको मैं फ्राई कर रही हूँ और सर में बहुत दर्द है मेरे, तो सर में तेल लगाया है मैंने, डाला है ज़्यादा तेल डाल दिया है मैंने सर में और बहुत दर्द कर रहा है सर। और यहाँ पे मुन्नी है अपना होमवर्क पूरा कर रही है, रोटी बनाने। अब मुनिया जा सब्जी हो जाएगा तो मुनिया जाएगी अब रोटी बनाने, मुनिया रोटी बनाएगी क्योंकि कल भी मुन्नी रोटी बनाई थी और आज भी मुन्नी रोटी बनाएगी ना मुन्नी। रोटी बनाने रोटी अच्छी बनाई थी, तबीयत मेरी 5-6 दिन से तबीयत ठीक नहीं है और सर्दी जुकाम बुखार सब हो गया था, तो मुन्नी ही रोटी 2 दिन बनाई है। मुन्नी तो चलो आटा सानो, होमवर्क पूरा हो गया। थोड़ी सी है हाँ। तो उसको भी कर लो, करोगी ना, जाओ कर लो, झट से कर लो, करने के बाद जाओ आटा गूंथो रोटी बनाओ। ओ, तेल लगा दी बनानी। तेल लग गया मुन्नी कपड़ा। अभी नहा कर पाई नहीं थी मुन्नी, ये देखिए इसे कपड़े में ऑयल लग गया है। अगर नहीं छूटा ना तो हम दूसरा खरीदेंगे। अच्छा छूटेगा का नहीं, छूट जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं किचन में, किचन में बहुत गर्मी हो रही है तो किचन में मैंने सोयाबीन डाल दिया है, फ्राई हो रहा है, मैं इधर चली आई थी। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं किचन में। क्या है जाने दो, पक गया है तो।